हिंदुस्तान को सिर्फ एक ही चीज चलाती है, राजनीति। इस देश में जो प्रधानमंत्री है वो ही राजा है। टीजर में लाइन है, हिंदुस्तान को सिर्फ एक चीज चलाती है, राजनीति। और इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो राजा है जी। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक डेमोक्रेसी है जिसके अंदर लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि लोगों के लिए काम करते हैं। ये शो में एक लाइन है जो एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर है जो अपनी बात कहता है, फिर इसका काउंटर आता है जो कि आप आगे देखिए। आप हो किसकी तरफ? सही और गलत के बीच में जो चीज आके खड़ी हो जाती है ना, उसे राजनीति कहते हैं, और हम राजनीति के साथ हैं। टीजर में हमने आपकी हंसी सुनी, बहुत खूंखार लगी। अली अब्बास जबर ने आपको एक 360 चेंज अवतार दिया है, क्या कहेंगे? जैसा एक एक्टर होता है, मैं हमेशा कॉमेडी भी करता हूं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस किरदार को किरदार की तरह निभाऊं, और अगर कॉमेडी है तो मैं उसको थोड़ा कैरिकेचर बना दूं ताकि लोग हंसे, और उसको एग्जैजरेट कर दूं। लेकिन इसके अंदर मेरा चैलेंज था कि वो एग्जैजरेशन, जिसकी मेरी आदत है और जो मैं करता रहा हूँ, उसको कट करके उसको रियलिस्टिक तरीके से पेश कर सकूं। और आई होप लोगों को अच्छा लगे, एक्सेप्ट करें लोग। हालांकि जो कहानी है वो बेहद खूबसूरत है, एक फिक्शनल वर्ल्ड है जिसके अंदर बड़े सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। हालांकि पॉलिटिक्स जो है वो सुनने में ऐसा लगता है कि बड़ा पेचीदा और बड़ा गंभीर मामला होगा, लेकिन जिस तरह का ड्रामा ऐड किया गया है तो आप उस वर्ल्ड से रिलेट करने लगते हैं और आपको देखने में अच्छा लगता है। कितना लर्निंग प्रोसेस रहा आपके लिए इतने सारे एक्टर्स के साथ काम करना? मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूं कि इतने सुलझे हुए एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो जब एक अच्छा एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है तो मैं तो कई बार उनको ही देखने लगता हूँ कि यार ये कैसे कर रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं। तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी इसके अंदर एक कैरेक्टर हूँ, मुझे भी एक्टिंग करनी है। लेकिन अच्छा, उसके अंदर एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का अनुभव हमेशा ही अच्छा होता है, बिकॉज उससे आपकी परफॉर्मेंस भी निखर के आती है, क्योंकि एक आपको अच्छा रिएक्शन मिलता है, आप उनको रिएक्ट करते हैं और वो आपको रिएक्ट करते हैं, तो एक ओवरऑल सीन ज्यादा अच्छा लगता है। क्या नवाब वाली फीलिंग आ रही थी जब पैलेस में आप शूट कर रहे थे? मेरे को आ रही थी, पर मेरे में से किसी को नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम यहाँ थी, नवाब बन के घूम रहा था, किसी को नहीं लग रहा था कि ये भाई नवाब है, बट मैंने तो ली फीलिंग। मैं दोनों हाथ पीछे करके इस तरह से चल रहा था और गर्दन उठा के ऐसे चल रहा था, पर मेरे को किसी ने ऐसे नहीं कहा। आई डोंट नो, शायद कोई कमी रह गई। ओटीटी पे बहुत वास्ट पैमाना है, साथ ही साथ यहाँ पे सेंसरशिप नहीं है, यहाँ पे फैमिली ऑडियंस नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑडियंस है। एज एन आर्टिस्ट कितनी आजादी देता है, मैं कुछ भी किरदार निभा सकता हूँ विदाउट इमेज को ध्यान में रखे हुए। और क्या सुनील, आपने क्या डूज या डोंट्स बनाए हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए? मेरे डूज एंड डोंट्स का यही है कि मैं अच्छे किरदार निभाऊं, अच्छे लोगों के साथ काम करूं, अच्छी स्टोरीज का हिस्सा बनूं, और ऐसी स्टोरीज का हिस्सा बनूं जिसे मुझे भी देखते हुए मजा आए। और आई मेक श्योर के मेरा चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स ऐसा हो जिसमें काम करने का मजा आए और देखने वाले को मजा आए। हाल ही में हमारी जॉनी लीवर साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि किसी भी एक्टर को इमेज में मानना बहुत गलत है, क्योंकि एक कॉमेडी एक्टर बना देते हैं, सीरियस एक्टर बना देते हैं, जो आपके साथ भी हुआ है कि आपको एक बताओ, आप यू आर वर्सेटाइल एक्टर, स्टिल यू आर आपको एक कॉमेडी के इसमें कर रखा है, तो हाउ यू सी इट, क्या आप यू आर ओके विद दिस इमेज और यू वॉन्ट टू शेयर, मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद दिस इमेज? तो उन्होंने इस लिहाज से कहा हुआ कि कई बार क्या होता है कि एक जो कॉमेडी करने वाला आदमी होता है उसको हर जगह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कॉमेडी करे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि एक इमेज से आए तो उस लोग ये चुटकुले पे चुटकुले सुनाता रहेगा, ये अभी कैसा डांस करके दिखाएगा, या ऐसा हर वक्त ऐसा रहेगा। तो वो आई थिंक उनका कहने का मतलब ये भी है कि वो भी जो भी कॉमेडी कर रहा है, एक आर्ट है, और
इसके लिए भी आदमी को सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो हर वक्त आप एक्सपेक्ट करते हैं। और एक ह्यूमन भी है वो आदमी, जो वो कई बार कॉमेडी के इमेज से आदमी उसको ह्यूमन बीइंग से हटके उसको कॉमेडियन ही समझने लगता है कि हर वक्त कॉमेडी कर रहा होगा, जैसा कि संभव नहीं है। पागलपन में क्या कम और क्या ज्यादा सर, या तो ये होता है या नहीं होता। जितना हमने टीजर में आपको देखा है, आपने काफी बीफअप किया है, बॉडी शॉटी बनाई है, डोले शोले बनाए हैं जो हम आपको टीजर में देख रहे हैं, कितना प्रिपरेशन गया है फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? इतना तो मैंने बीफअप नहीं किया, पर हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की थी महीने में, खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान रखा था ताकि वो कैरेक्टर जैसा लग सको। तो और शो के दौरान भी थोड़ा बहुत खाने पीने पे ध्यान और वर्कआउट हल्का फुल्का मैंने ऑन रखा था, लेकिन मैं वर्कआउट वहाँ पे सब लोग ही वर्कआउट करते थे उस शो में, जब हम दिल्ली में शूट कर रहे थे होटल में, तो मेरा काम बेसिकली ज़्यादा वर्कआउट करने का नहीं था, लोगों का वर्कआउट खराब करने का था। मैं जिम में जाके जो दूसरे मेरे साथी वर्कआउट कर रहे थे, मैं उनको सबका वर्कआउट खराब करता था, उनको मैं बातों में उलझा लेता था, उनका टाइम बहुत खराब किया। ताकि आपको वर्कआउट ना करना पड़े? मुझे वर्कआउट नहीं, ताकि मैं मेरी बॉडी मैं उनकी बॉडी मेरे से अच्छी ना लगे, क्योंकि वो कर लेंगे तो फिर उनके मसल दिखने लगेंगे ज्यादा, तो मैं कम से कम अपने नहीं बना पा रहा हूँ तो उनके तो खराब करूँ। क्या सीख देकर गया है ये साल आपको? ये साल सीख तो कई सारी सीखे हैं। एक तो बर्तन कैसे मांजने हैं और पोछा कैसे लगाना है, और सबसे बड़ी सीख ये देखेगा कि झाड़ू मारते हुए आदमी आगे जाता है, पोछा लगाते हुए आदमी पीछे आता है, और कड़छी को दाल में ना रखें सब्जी बनाते हुए, निकाल लें तो फिर वो भी गर्म हो जाती है, और बर्तन को अगर पहले से आप थोड़ा सा पानी लगा के रख देंगे ना खाने के तुरंत बाद में धोले चाहे तो इजीली धुलते हैं, तो पहले पानी निकाल दो तो बाद में घिसना पड़ता है, तो सारी सीखें देखी गया है। सुनील, OTT एक बहुत बड़ा पैमाना है, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, कि पर आपकी इमेज जो कॉमेडी वाली है, क्या आप चाहेंगे कि आप उससे हटकर ही चीजें OTT पे करें या उससे जुड़ी हुई चीज भी चलेगी? ऐसा कोई मेरा विशेष मुद्दा नहीं है कि कॉमेडी वाली इमेज है, और मैं तो खुश हूँ उस इमेज से कि मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं उस इमेज में, थैंक गॉड फॉर इट, और लोगों को हंसी आती है, पर चाहे वो कॉमेडी हो या नॉन कॉमेडी हो, बस उसमें एक ही है कि वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एंगेजिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर मुझे ऐसा लगना चाहिए कि इसमें कुछ स्कोप है, इसमें लोग एंटरटेन होंगे और मैं भी कुछ परफॉर्म कर पाऊंगा, तो बस उतना क्राइटेरिया है, वो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच सुनील हमसे बात करने के लिए।